Good morning to all of you. Today I am going to discuss about another writing task one, and that is based on pie chart. The charts below shows the average percentage in typical meals of three types of nutrients, all of which may be unhealthy if eaten too much. यहाँ पे थ्री पाई चार्ट दिए है जिसमें एक सोडियम सैचुरेटेड फैट एडेड शुगर, ये यूएसए के पीपल्स के बारे में बताया कि वो कितने कितनी अमाउंट अपने लंच डिनर ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स में लेते हैं इन तीन न्यूट्रिएंट्स की. द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द परसेंटेज ऑफ सोडियम सैचुरेटेड फैट्स एंड एडेड शुगर इन डेली मील्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अमेरिकन्स. Overall, it is clear that Americans consume the lunch and dinner, which is rich in sodium and saturated fat, whereas their snacks contain the large proportion of added sugar. लंच एंड डिनर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वो पहले वाले दो न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट वो कंज्यूम करते हैं, बट स्नैक्स में वो कंज्यूम कर रहे हैं सबसे ज्यादा शुगर को. To begin with breakfast, the citizens consume these nutrients ranging from 14% to 16% in the morning time. The ratio of sodium saturated fat and sugar increase during the lunch time for 29%, 26% and 19% respectively. Most of the American eat the maximum amount of added sugar in snacks as compared to other nutrients, which are recorded as 14 and 21%. यहाँ पे बताया है कि पहले मैं ब्रेकफास्ट की बात की है तो सोडियम का आता है 14%, दूसरे का आता है 16% एंड लास्ट 16% की 14 to 16 के बीच में ही उनकी रेंज रहती है. उसके बाद लंच टाइम आता है तो लंच में 29, 26 and 19% तक वो इंक्रीज होता है, इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है. बट ड्यूरिंग स्नैक्स टाइम क्या होता है कि वो शुगर सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू जो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका कंपैरिजन. दूसरों का आता है 14% एंड 21%, बट जो शुगर कंज्यूम करते हैं उसका 42%, मतलब कि नियर अबाउट डबल उसका हो जाती है अमाउंट जो वो कंज्यूम करते हैं स्नैक्स में. फर्दर मोर विद डिनर सिटीजन कंज्यूम द 43% सोडियम्स इन डिनर विच इज अबाउट डबल ऑफ द शुगर एंड 6% मोर देन द सैचुरेटेड फैट. जो डिनर में कंज्यूम करते हैं 43% सोडियम होता है जो डबल है अमाउंट किसकी शुगर की, 23% रह जाती है, नियर अबाउट उसका डबल हो जाता है एंड 6% मोर देन है किससे सैचुरेटेड फैट से. सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. इफ यू लाइक द प्रेजेंटेशन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.